तरीके से प्रवृत्ति रही है। तो सूर्य ग्रहण पर जो ये सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये गंगा के घाटों के किनारे की तस्वीरें हैं, चाहे वो वाराणसी की बात करें, चाहे वो हर की पैड़ी के किनारे की बात करें। घाटों पर अब बड़ी संख्या में लोग पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पर इस बीच इस सूर्य ग्रहण की घटना को लेकर के जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारामंडल गोरखपुर की व्यवस्था गए, वहां पर टेलीस्कोप के जरिए इस घटना का दीदार किया। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हर वो घटना, चाहे वो सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धर्म के दृष्टि से, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, हर वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, घाटों पर अब किस तरीके से अब लोग पहुंचना शुरू हो गए, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को एक एक पल की जानकारी दे रहे हैं। सतीन जी के पास एक बार रुख करेंगे। सतीन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्टूडियो से सीधे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सतीन जी तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर राधे श्याम, निश्चित है कि भगवान सूर्य नारायण की आपके ऊपर कृपा होगी और आपका बुद्धिबल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, एक बार मैं फिर चलूंगा और कन्हैया जी के पास रुक करूंगा। कन्हैया जी, जब लगातार बुद्धि और हम अपने इष्ट देव की बात करते हैं, और आपने भी वो तस्वीर देखी होगी कन्हैया जी, जब मुख्यमंत्री भी गए, उन्होंने इस अद्भुत घटना बताया और कहा कि दीदार भी किया, ऐसे में अब बड़ी बात यह कि लोगों में भी एक उत्सुकता रहती है कन्हैया जी जानने की, खास करके छोटे छोटे बच्चों में इस खगोलीय घटना को लेकर के। लेकिन सनग्लासेस लगा करके देखना चाहिए। अगर मैं इसको आध्यात्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें, तमाम सारे सवाल कुछ ऐसे हैं, जब हम वही सवाल वैज्ञानिक से पूछते हैं किसी, तो वो बहुत हल्के में लेते हैं, चाहे वो नंगी आंखों से देखना चाहिए या नहीं, या गर्भावस्था में, या खान पान को लेकर के। लेकिन यही सवाल जब हम ज्योतिषाचार्य या किसी शंकराचार्य से पूछते हैं, तो सवाल के जवाब बदल जाते हैं। इस सवाल का जवाब जरा मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो वाकई में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। सूर्य से ऐसी विकिरण, ऐसी कुछ ऐसी तरंगे निकलती हैं जो हमारे आंखों को खराब कर देती हैं, या जो गर्भवती स्त्रियां जिनके पेट में बच्चे पल रहे हैं उनके लिए भी, या जो खान पान हम लोग खाना खाते हैं यदि उसको भी शुद्ध नहीं रखा जाए, यदि तुलसी के पत्ते से या कुछ से उसको पवित्र न किया जाए, तो उस ऐसे खाद्य पदार्थ को खाने से बीमारी अवश्य होती है, और बल्कि भयंकर भयंकर बीमारी हो जाती है। यदि ग्रहण के बाद हम लोग स्नान नहीं करते हैं, यदि दान नहीं करते हैं, तो तमाम प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि हमको कल ही हो जाए, परसों हो जाए, हो सकता है कि घटना 2 महीना बाद हो, 6 महीना बाद हो, 4 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, लेकिन हमें कष्ट तो भुगतने पड़ते हैं। ये विज्ञान भी मानता है, विज्ञान भी कहता है कि हमें नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। वैसे भी नंगी आंखों से सूर्य देखने से नेत्र की दृष्टि कमजोर हो जाती है, कहीं कहीं तो ऐसी घटनाएं घटी जहां पर आंखें खराब हो गई हैं, उनकी रोशनी कम हो गई है। तो विज्ञान भी कहता है और हमारा ये धर्मशास्त्र भी बोलता है कि नंगी आंखों से जब सूर्य ग्रहण की घटना घटित हो उस समय देखना नहीं चाहिए। देखने से हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, हमारी तंतुएं, हमारी ज्ञान चक्षु हैं वो जो है कमजोर हो सकता है, हमारे शरीर पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, हमारे मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। अतः ये विज्ञान भी कहता है, हम लोग भी कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे जो भी विद्वान जो हमारे घर के बड़े हैं वो सब भी कहते हैं, और आप सब लोग मानते हैं कि देखने नहीं चाहिए। और हालांकि देखने की जरूरत क्या है, ये देखना तो सनग्लासेस लगाकर देखा जा सकता है यदि बहुत अधिक उत्सुकता है, यदि आप छात्र हैं तो। जी बिल्कुल, देखना भी है तो सनग्लासेस के जरिए देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी दीदार किया। राधे श्याम शास्त्री जी, बराबर कहा जा रहा है कि इतने सालों बाद, 27 साल बाद ये अद्भुत संयोग बन रहा है, तो इस 27 साल बाद, 25 साल बाद, ये किस तरीके का संयोग है, जरा बहुत सरल सी भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए, मैं आपसे समझना चाहूंगा। ऐसा है कि ठीक 27 वर्ष पहले 24 अक्टूबर 1995 को इसी नक्षत्र पर और इसी योग पर, नाग करण पर ही लगा था नक्षत्र योग, और उस समय जो परिवर्तन हुए थे, आध्यात्मिक परिवर्तन, ये पूरे सौरमंडल को प्रभावित करता है ना। अपना देश तो है ही इसमें मूल, लेकिन अन्य देशों में भी जहाँ जहाँ इसका प्रभाव है वो सारे देश प्रभावित होते हैं। और ये आध्यात्मिक ऊर्जा का प्लेनेट है। सूर्य नारायण तो ज्ञान के प्रतीक हैं, और राहु के नक्षत्र जो है, चाहे आर्द्रा हो, चाहे स्वाति हो, चाहे सद्भिषा हो, तीनों नक्षत्र इतने प्रभावशाली हैं कि अमावस्या के दिन, और वो भी दीपावली का अवसर, लिब्रा साइन में हमारा सूर्य नारायण है, ज्ञान के भंडार हैं, तो वो राहु को हम डार्केस्ट प्लेनेट बताते हैं।
एक तरफ रोशनी की पराकाष्ठा है, एक तरफ डार्क की पराकाष्ठा है। तो इस वजह से ज्ञान का जो संचार हो, राहु फिजिशियन होता है, कोई भी डॉक्टर बिना राहु के हो ही नहीं सकता डॉक्टर। और सूर्य नारायण धन्वंतरी के रूप में है। कल जो धन्वंतरी का जन्म भी हुआ था त्रयोदशी में अमृत कलश लेकर के, तो अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी। तो इसलिए जो है राहु से भयभीत नहीं होना चाहिए। राहु इस ज्ञान को मल्टीप्लाई करता है, हजारों गुना बढ़ा देता है। अगर इस कालखंड में हम कोई आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसकी पावर हजारों गुना बढ़ जाती है। उससे हमारी अंदर की ऊर्जा होती है। हर जीव के अंदर ये ग्रहण है लगा है, ऐसा नहीं कि सौरमंडल को ही प्रभावित करता है। हर जीव की आंतरिक शक्तियों में भी वृद्धि होती है, न्यूनता होती है। और बिल्कुल उन शक्तियों को शायद मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जगह अगर आप ध्यान करें, अगर अंतर मन से अगर उसको महसूस करें। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा राजीव जी। जैसा कि अभी सर ने कहा कि राहु जो है वो एक फिजिशियन के तौर पर है और सूर्य जिस तरीके से धन्वंतरी, तो फिर सर्जन कौन है? फिर देखिए शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, और ये एक जिसको कहते हैं जब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तो ये बहुत आसानी से कोई भी कॉन्सेप्ट समझाया जा सकता है। अब शास्त्री जी ने जो राहु को फिजिशियन की और उसकी संज्ञा दी है, इससे बहुत सारे दर्शक समझ गए होंगे कि हाँ वास्तव में राहु है क्या। हाँ। तो आपने जैसे पूछा तो सर्जन भी हैं, सब हैं, जैसा जिसको कहते हैं यथ पिंड तथा यथ ब्रह्मांड तट पिंडे, यानी कि जो भी ब्रह्मांड में है वो यहाँ हमारे पिंड में है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो बात हुई, हाँ। जो निकल के आई वो ये है कि हमारी जो बॉडी, हमारा जो शरीर है वो भी क्षितिजल पावक गगन समीर, यानी कई प्रकार के अवयव पदार्थों इत्यादि से बना हुआ है। तो जब ब्रह्मांड की कोई भी खगोलीय घटना होगी, तो जब बड़े उल्कापिंड, बड़े प्लैनेट में इफेक्ट आ रहा है, तो क्या ये नकारा जा सकता है कि एक मनुष्य के ऊपर असर नहीं है? तो बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि हर व्यक्ति के अंदर ग्रहण लगने वाली बात होती है। अब वो उस ग्रहण को पॉजिटिवली लेके पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव, जिस प्रकार से कन्हैया महाराज जी ने भी एक बात बड़ी अच्छी कही कि ये तो अब ये जो भी होता है उसका असर कुछ दिन बाद पता चलता है। बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड बात कही है। जो भी चीज़ें होती हैं, थोड़ी ना कि आपने सूर्य देख लिया, आपने कहा कुछ नहीं हुआ और ये सब है, उसको बहुत आपने हल्के में जैसे आप कह रहे थे कर दिया, वो नहीं होता है। लोगों में दिक्कतें आई हैं और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं लोगों के पास कि हाँ भाई हमसे ये हुआ था तो ये हुआ। बहरहाल वो उस चीज में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, लोहितम रथम आरूढ़म सर्वलोक पितामहम महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्य हम। इस प्रकार से जैसे कहते हैं कि महापाप हरम देवम, अब ये पाप है क्या? पाप तीन प्रकार के हो गए ना, दैहिक, दैविक और भौतिक प्रकार के जो कष्ट मिलते हैं। तो इसमें तो महापाप हरम, तो सूर्य नारायण नारायण की तरह ही जब पूजा करते हैं, तो सूर्य देव हर दिन यज्ञ करते हैं, इसीलिए नारायण है, क्योंकि नारायण क्या है? यज्ञ भृत यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ भूख यज्ञ साधना यज्ञांत कृत यज्ञ गोह्य मन्य मन्नादेव, यानी सारी चीजों को देने वाले, अन्न को देने वाले, प्राण को देने वाले। तो इनको अगर कहा जाए कि इसके इनके ऊपर जब ग्रहण लगा, यानी सूर्य पे ग्रहण लगा है और छाया प्रभाव पड़ा है, तो इसमें नकारात्मकता कतई ना खोजें, इसमें पॉजिटिवली खोजें। राहु देव की बात जो होती है, राहु देव क्या करते हैं? बाहुबल देते हैं, फिजिशियन। अब आपने कहा कि कौन है सर्जन, तो सर्जन कोई एक नहीं है। सर्जन जब भी कृपा होती है शनिदेव की, मंगल देव की, और इनके साथ केतु का प्रभाव आता है, तो शनि मंगल केतु के प्रभाव कंबाइंड प्रभाव से, कोई एक ग्रह सब कुछ नहीं हो सकता और सारे ग्रह मिलके ही कंपाउंड बनता है, यानी उसके इफेक्ट्स होते हैं। केवल एक, लोगों ने जैसे लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव है, तो मैंने कहा सूर्य ग्रहण का प्रभाव ये है कि पिछले एक दिन से पूरा देश सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण ये शब्द कम से कम बोल रहा है, क्या ये प्रभाव नहीं है? तो ये एक समझाने का एक अच्छा तरीका था, तो क्या ये प्रभाव नहीं है? बिल्कुल, लोग इतने लोग चिंतित हैं या खुश हैं, कई लोग खुश भी हैं और उत्सुक भी हैं, उत्सुक भी उत्सुकता भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक बार मैं सतेंद्र जी के पास जाने की कोशिश करूंगा, उनके आवाज में लगता है कुछ दिक्कत आए। सतेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं आपसे चाहूंगा आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे, क्या कुछ संदेशा देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। जी सतेंद्र जी देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव यह न समझे कि केवल
आज ही तक पड़ रहेगा, उसका वर्षों तक उसके प्रभाव रहते हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों को सावधान और आत्मबल रखना चाहिए, जितने भी लोग हैं भयभीत न हो, आत्मबल रखें कि जो भी आएगा वो हमारे जो इष्ट देव हैं हम उनके इष्ट देव के माध्यम से इसको इसका निराकरण कर सकते हैं। इसलिए सूर्य भगवान की जो नारायण की जो प्रभाव है, जो सब क्षमता है, वह एक नहीं सभी के लिए है। और ये जो हमारे यहाँ 12 राशियां हैं उनमें बताया गया है कि राशियों में किस राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उन राशियों के लोग इस पर ध्यान दें कि हाँ ये प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसका आत्मबल से निश्चित रूप से इसको समाधान हो सकता है। और अपने इष्ट देव की उपासना करें और आत्मबल रखें, किसी प्रकार की भय मन में न आने दें। इसीलिए जब भय आता है तभी परेशानियां बढ़ती हैं, और निर्भय होकर के आप अपने इष्ट देव की प्रार्थना करें और ये समझे कि इस ग्रहण का कुप्रभाव पड़ता है लेकिन नहीं पड़ेगा यदि हम अपने में सतर्क रहेंगे और आत्मबल रखेंगे, निर्भय रहेंगे। और बाकी के लिए तो मुझे लगता है सत्येन जी कह सकते हैं कि भगवान राम जी हैं, प्रभु श्री राम जी हैं ही, क्योंकि आप तो देखिए उनके मुख्य पुजारी हैं, और तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, क्यों सत्येन जी? जी 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 है, बिल्कुल सही है। जो है भक्त जो होते हैं और भगवान जो होते हैं वो भक्तों की रक्षा करते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, उसका कल्याण करते हैं, और इसी रक्षा और कल्याण के लिए हर दिन उनकी पूजा, उनकी स्तुति, उनकी सब किया जाता है। जी बिल्कुल, मैं यशोदा नंदन जी के पास आ रहा हूँ। यशोदा नंदन जी, खाने को लेकर के एक बड़ा तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं, एक तरीके का मुझसे कई लोगों, जब मैं डिबेट के लिए आ रहा था तो कहा था कि एक सवाल आप पूछिएगा यशोदा नंदन जी से, इसलिए मैं ये सवाल दर्शकों की तरफ से आपसे पूछ रहा हूं कि खाने को लेकर के जो बहुत सारा अभी जब ग्रहण हो जाएगा उसके बाद बहुत सारा ऐसा सामान है जो मान्यता है कि तुलसी की कुछ पत्तियां उसमें डाल दे तो उस वो ग्रहण मुक्त हो जाता है, ऐसा है क्या, करना चाहिए? देखिए तुलसी सर्व औषधियों में तुलसी पत्र सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान की प्रिया जी भी हैं तुलसी जी, तो तुलसी का पत्ता डालने से जो विषाक्त बैक्टीरिया है भोजन में, खास तौर से कच्ची भोजन में, या जो साधु साई वैष्णव परंपरा में है कि जो सकरा भोजन माना जाता है अपनी वैष्णव परंपरा में, अब जैसे उसको तुलसी पत्र को डाल दिया, वैष्णव परंपरा है तुलसी पत्र अकेला नहीं, कुश को भी रख करके, क्योंकि कुश भगवान के श्रीअंगों से ही जो है जन्म हुआ है कुश का, और ये कुश या तुलसी पत्र जो है डालने पर उसका जो है वो दुष्प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि तुलसी पत्र में सर्व औषधीय गुण हैं, तो जो नकारात्मक उसमें विषाक्त पदार्थियों का, जीवाणुओं का जो है सक्रियता बढ़ जाती है, वो तुलसी पत्र के गिरने से जीवाणुओं की जो सक्रियता है वो नष्ट हो जाती है, और वो अन्न जो है बहुत ज़्यादा दूषित नहीं होता है, इसलिए वो ग्रहण करने योग्य हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जो अभी शास्त्री जी ने ग्रहों की बात कही शल्य चिकित्सा वाली, इस बात की मैं उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने जो एक वैज्ञानिक कारण दिया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि केवल एक ग्रह नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जैसे सूर्य दाहिनी आंख का कारक होता है और चंद्रमा बाईं आंख का कारक होता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य ग्रहण को इसलिए भी नहीं देखना चाहिए कि सूर्य की दृष्टि यदि नकारात्मक किसी पर पड़ती है तो शरीर में सबसे ज्यादा दाहिनी आंख को जो है कष्ट हो जाता है, और जब ये ग्रह अगर एक स्थिति में जो है जाते हैं तो ये लोग अच्छा न्यायाधीश भी बनाते हैं, अच्छा सर्जन भी बनाते हैं, अच्छा प्रोफेसर भी बनाते हैं, और अच्छा प्रवक्ता भी बनाते हैं। जैसे जो है यदि केतु का संयोग शनि मंगल और सूर्य के साथ में हो जाए तो वो व्यक्ति गुप्त बीमारियों का बहुत बड़ा सर्जन हो सकता है, अथवा ये दशम में पड़ जाए इन सब के साथ में गुरु और शनि आदि भी आ जाए
तो बहुत बड़ा न्यायाधीश भी हो सकता है। तो शल्य क्रिया का मतलब ये नहीं है कि केवल डॉक्टर, शल्य क्रिया का मतलब है कि वो अपने जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उसका बौद्धिक बल बढ़ा हुआ होता है, पारंगत होगा अपने क्षेत्र में। आज बहुत अच्छी डिबेट चल रही है जिसमें तमाम सारे चीजों को किस तरीके से बताया। मैं जल्दी से एक बस बहुत संक्षेप में राजीव जी से फाइनल कमेंट चाहूंगा, किस राशि को लेकर कितना प्रभावशाली, जल्दी से राजीव जी बस मैं चाहूंगा। देखिए अगर राशियों की बात करते हैं तो केवल और केवल देखिए किसी राशि को घबराने की जरूरत नहीं है। सारे आचार्यों ने यह कहा है बिल्कुल भी घबराइए मत। केवल और केवल अगर स्वाति नक्षत्र में आपका जन्म है, चंद्र आपके स्वाति नक्षत्र में है या लग्न पे लग्न का भाव स्पष्ट स्वाति पे है तो थोड़ा चेक कर लीजिए और थोड़ा कुछ दिन अगले 43 दिन थोड़ा कॉन्शियस रहिए, अपने को संभालने की कोशिश करिए, अन्यथा सारी राशियों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल किसी भी राशि को भयभीत रहने अच्छा की जरूरत नहीं है। और आज कोशिश भी हमारी यही थी कि आज इस सूर्य ग्रहण को लेकर के जो तमाम सारी भ्रांतियां हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज हमने एक बड़ा पैनल बुलाया जिसने तमाम सारी अहम जानकारियां दी। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। कन्हैया जी आपका भी, राजीव शुक्ला जी आपका भी, यशोदा नंदन जी आपका भी, राधेश्याम आपका भी जी, और तमाम सारे मेहमानों का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूर्य ग्रहण को लेकर के जो तमाम सारे सवाल थे, आज कोशिश यही हमारी थी कि उन भ्रांतियों को दूर करें, क्योंकि आज हम युग में रह रहे हैं। किस युग में? जिस युग में वैज्ञानिक युग में कहा जा रहा है, और वैज्ञानिक युग में हो रही है नित नई खोजें, तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर चीज को देखना है, समझना है, आत्मसात करना है। नमस्कार।